भारत में आधार जो है नंदन नीलेकणी की पैट्रोनाइज में यूपी ने शुरू किया। जब शुरू किया उस समय बीजेपी ने इसका विरोध किया, उसके बाद सरकार बीजेपी की आ गई और कांग्रेस ने इसका विरोध करना शुरू किया। 2012 में जब यूपी की गवर्नमेंट थी उस समय एक कर्नाटका हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस के एस पुट्टस्वामी, उन्होंने आधार को चैलेंज किया। फिर 2016 में एक्ट बना उसको भी, जैसे उसका नाम था आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016, वो मनी बिल के रूप में बना, तो उसको वो भी उसमें चैलेंज हुआ। अब उसमें ढेर सारी फिर पिटिशंस आ गई थी, उसमें फिर इशू ये भी आया कि भाई राइट टू प्राइवेसी को जो है इन्फ्रिंज करता है और राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। उसके चलते 5 जजों की बेंच ने उस मैटर को 9 जजों की बेंच को रेफर किया। उन्होंने ये कहा यूनानिमसली कि ये राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट है। उसके बाद वापस जो ओरिजिनल जो चैलेंज था उस एक्ट का और आधार, उसको डिसाइड करने के लिए 5 जजों की बेंच बैठी और उसने जो है 26 सितंबर 2018 को अपनी जजमेंट दी। तो उसमें कोर्ट ने यही कहा जो ये एक्ट है ये ओवरऑल जो है सर्विलेंस स्टेट क्रिएट नहीं करता है और ये मनी बिल के हिसाब से जो आर्टिकल 110 कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके हिसाब से वैलिडली पास है और ये जो है लिमिटेड गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस पब्लिक ट्रस्ट के डॉक्ट्रिन को पास करता है। इसमें उस सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी उसमें कुछ बातें बताई भी गई कि जैसे ये मानिए कि आधार कार्ड है उसमें जो डेटा था उसका आर्काइव 5 साल तक रखने की बात थी, तो उसमें ये कहा गया कि 5 साल तक आप इसको नहीं रख सकते हैं, इसको एक साल नहीं 6 महीने के लिए, 6 महीने से ज़्यादा आप नहीं रखेंगे। उसके बाद उसमें कुछ और भी इश्यूज थे कि भाई जो है किसी की भी अगर इन्फॉर्मेशन रिलीज की जाएगी उस डेटाबेस से, आधार का डेटाबेस से, तो उसमें उसको राइट टू हियरिंग दिया जाएगा उस पर्टिकुलर आदमी का जिसका डेटा रिलीज किया जाएगा, तो उसको कोर्ट ने जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। फिर ये भी था कि जैसे कुछ कंपनियां, यानी कंपनियां या इंडिविजुअल, जैसे ये मान लीजिए कि जो टेलीफोन कंपनियां थी वो अपना जो है वेरीफाई करती थी कि भाई आधार आपका है कि नहीं है उसके हिसाब से, तो उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। उसके अलावा ये भी कहा गया कि स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चों का जो एडमिशन कराते हैं उसमें भी आप आधार मांग नहीं सकते हैं क्योंकि वो ना तो सर्विस है ना वो सब्सिडी है। और जो छोटे बच्चों का जो फंडामेंटल राइट है 6 से 14 साल के बच्चों के सर्व शिक्षा अभियान में, उसमें भी उसका यूज नहीं किया जा सकता। तो मोटे मोटे इसमें यह कहा गया था कि आधार एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, कुछ प्रोविजन इसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए गए, बाकी इसको माना गया कि ये सही तरीके से जो है पास किया गया है और उसको देश में सब्सिडी और सर्विसेज जो सरकार देती हैं उसमें लिमिटेड पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। अब तकरीबन 1-1.5 साल के बाद आज फिर से केस पुट्टस्वामी केस का सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है रिव्यू इन चैम्बर ही करेगी। हालांकि इस केस में ये एप्लीकेशन लगाई गई है रोजर मैथ्यू का जो जजमेंट आया था उसके बाद से कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है इस मैटर को ओपन हियरिंग का मौका दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जनरली जो रिव्यू होती हैं, रिव्यू पिटिशन होती हैं, वो इन चैम्बर ही डिस्कस होती हैं और डिसाइड होती हैं। तो इसमें ये भी पिटिशन में जो एप्लीकेशन डाली गई है कि ओरल हियरिंग का मौका दिया जाए, जैसे कुछ एक केसेस जैसे सबरीमाला के केस में ऐसा हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, लेकिन ये एक लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। अब इसका रिव्यू होता है तो अगर उसमें डिसमिस करते हैं तो वो रहेगा, अगर चेंज होता है तो फिर कल को जो नई जजमेंट आएगी उसमें क्या प्रिंसिपल लेट डाउन किए जाएंगे वो भी देखेंगे। ये था केस पुट्टस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया आधार जजमेंट।